बच्चों समझ में है मॉड कैसे वर्क करता है? अपने अंदर देख yes, लिया। ओके अगर अंदर की चीज पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हट जाता है, और अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो माइनस साइन छोड़ के हटता है। जैसे ये सब केस, इसमें इसमें डायरेक्ट हट गया पॉजिटिव था बोल के, और इस केस में नेगेटिव था बोल के माइनस साइन छोड़ के हटा, तो फाइनल आंसर 2 - √3 पॉजिटिव ही रहा। तो बच्चों ये ऐसे वर्क करता है। तो मॉडुलस का दूसरा नाम तो हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। कभी कभी होगा फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मतलब उसका मॉडुलस निकालना है। इसका डेफिनेशन क्या बन जाता है मॉड एक्स का? इट इज़ इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब अंदर का इनपुट पॉजिटिव है तो वो एक्स हो जाता है, मॉड बोलता है मेरी जरूरत नहीं, हट जाता है। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो मॉड एक्स माइनस एक्स बन जाता है। मतलब अंदर देखता है मेरे अंदर नेगेटिव नंबर है तो माइनस साइन छोड़ के हटेगा। तो मुझे बता सकते हैं सोहा आप कि ये माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर है क्या नेगेटिव नंबर है? यस सर, माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? तो डेफिनेशन पे गौर करो आप, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया ना। एक्स खुद नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, तो माइनस एक्स क्या हो गया? माइनस ऑफ माइनस थ्री पॉजिटिव हो गया। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि मॉडुलस क्या करता है, टू हो या माइनस टू हो आंसर टू ही आता है, पॉजिटिव बना देता है। लेकिन ये पॉजिटिव बनाने का प्रोसीजर क्या है कि माइनस अंदर देखता है नेगेटिव है, माइनस साइन छोड़ के जाता है तो वो टू बनता है। तो ये एक्स है अपना माइनस टू, तो माइनस एक्स पॉजिटिव है बच्चों, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है बोल के पॉजिटिव है वो। बात समझ में आ रही है? तो सर पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है? पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है? नहीं 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 नहीं, सुनो ऐसे नहीं समझो इसको। अगर देखो इनपुट पॉजिटिव है ना, इनपुट अगर पॉजिटिव है एक्स मॉड के अंदर का तो डायरेक्ट मॉड हट गया, और अगर इनपुट नेगेटिव है ना तो मॉड हटेगा माइनस साइन छोड़ के। तो क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है? तो माइनस एक्स पॉजिटिव है। सिमिलरली देखो मॉड एक्स माइनस टू की अगर बात करें हम, तो एक्स अगर दो से बड़ा हो तो ये जो है एक्स ये दो से बड़ा है तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। yes, तो मॉडुलस डायरेक्ट हट जाएगा। और एक्स अगर दो से छोटा है तो ये एक्स दो से छोटा है तो दो से छोटा माइनस दो नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड हटेगा एक माइनस साइन छोड़ के, समझे? ताकि ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव हो जाए। ये ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव है, ये खुद नेगेटिव है, ये माइनस ने उसको पॉजिटिव बना दिया। ये समझ में आ रहा है? चलो यही फंडामेंटल है। यस सर। अब मान लो एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस लिखता हूँ, ये एक्स माइनस थ्री है, तो मुझे बताओ पहला केस क्या बनेगा? या तो डायरेक्ट हट जाएगा या तो माइनस साइन छोड़ के हटेगा, ये दो ही केस बनेंगे, राइट? अब डायरेक्ट कब हटेगा? जब ये अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो, मतलब एक्स जो है वो तीन से बड़ा हो। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंदर की चीज़ क्या है, एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव हो, जिसका मतलब होता है एक्स जो है वो तीन से बड़ा हो। वैसे ही ये नेगेटिव साइन छोड़ के कब हटेगा? जब एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो हो, नेगेटिव हो, मतलब एक्स जो है वो तीन से छोटा हो। समझ में आ रहे हम केसेस कैसे ले रहे? यस सर। अब देखो अगर मैं लिख दूं मॉड एक्स प्लस टू, तो या तो ये डायरेक्ट हट जाएगा मॉड, या तो माइनस साइन छोड़ के हटेगा। डायरेक्ट कब हटेगा? अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू हो। जीरो किस पे हो रही है? माइनस टू पे हो रहा है। अगर एक्स ये जीरो किस पे हो रहा था? थ्री पे हो रहा था, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस टू रहा तो डायरेक्ट हट जाएगा, और अगर एक्स लेस देन माइनस टू रहा तो माइनस साइन छोड़ के हटेगा। अभी उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन क्लियर है, ये डेफिनेशन वो मॉडुलस है। यस सर। जल्दी लिखो उसको, आगे बढ़ेंगे। अभी देखो
अगर मान लो क्वेश्चन है सॉल्व, सॉल्व मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू टू एक्स, इसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है ये जो मॉड एक्स माइनस वन है, ये नंबर लाइन, अगर आप एक नंबर लाइन बना दो पहले, आप ये मॉड के अंदर की चीज़ जीरो का भोरी देखो, जीरो का भोरी है एक्स इक्वल टू वन पे। तो आप इस तरह से दो केस लेंगे, आप एक लेंगे एक्स वन से बड़ा होगा तो अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, और एक केस लेंगे एक्स लेस देन वन। देखो मैं केस कैसे ले रहा हूँ, देखो आप मान लो अगर मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस टू है और सामने कुछ है एक्स स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मान लो सामने, इसको थोड़ा माइनस वन कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो आप एग्जांपल के लिए। अब देखो हम देखेंगे एक मॉडुलस है, वो जीरो किस पे हो रहा है, माइनस वन पे हो रहा है, तो वो माइनस वन नंबर लाइन पे लिख दिए। तो दो केस बनेंगे, या तो एक्स माइनस वन से बड़ा होगा या तो एक्स माइनस वन से छोटा होगा। पहले आप ये काम करोगे, फिर लिखोगे केस वन। केस वन क्या है, जब एक्स ग्रेटर देन वन हो, और फिर क्वेश्चन कॉपी करोगे, क्वेश्चन कॉपी किए, एक्स अगर वन से बड़ा है तो अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, और फिर इस एक्स को आप उधर भेजोगे तो आपको इधर मिलेगा टू एक्स माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा और आपको एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस वन। अब बच्चों हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि एक्स जो है वन से बड़ा होना चाहिए, और आंसर हमारा वन से छोटा आ गया, तो ये एक्स रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केस में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। सेकेंड केस क्या रहेगा, कि जब x लेस देन वन होगा, फिर हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे, सेम क्वेश्चन कॉपी करना है बार, फिर हमें मॉड हटाना है। x अगर वन से छोटा है बच्चों, तो हमें पता है ये अगर वन से छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक मॉड देखेगा, मेरे अंदर जो टर्म है वो वन से छोटा नेगेटिव है सॉरी, तो माइनस साइन छोड़ के हटेगा और हमें ये मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स, तो हमें मिल रहा है वन इक्वल टू थ्री एक्स, तो हमें मिला x इक्वल टू वन बाई थ्री। क्या बच्चों ये इस केस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ, x लेस देन वन, ये वन बाई थ्री जो आंसर आया वन बाय वन से छोटा है, तो इसका आंसर आया वन बाई थ्री। ऐसे हम इसे सॉल्व करते, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, उससे और आइडिया आएंगे आपको। देखो बाजू में देख लो, पहले हमने क्या किए, मॉडुलस देखे और चेक किए मॉडुलस जीरो किस पे हो रहा है, तो हमें दिख गया x इक्वल टू माइनस वन पे जीरो हो रहा है, तो नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर दिए, तो ये पार्ट मिला x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और ये मिला x लेस देन माइनस वन। तो केस वन हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, फिर क्वेश्चन कॉपी, केस मेंशन करके क्वेश्चन कॉपी। अगर x माइनस वन से छोटा है तो मैं इधर, अगर माइनस वन से बड़ी वैल्यू सॉरी बड़ी बड़ा है, अगर माइनस वन से कोई बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये दिख रहा है मुझे पॉजिटिव ही आएगा, या जीरो पुट कर दिया, जीरो प्लस वन इज पॉजिटिव, तो इसका मॉड डायरेक्ट हट जाएगा क्योंकि माइनस वन से बड़े पे पॉजिटिव हो रहा है, तो मॉड की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देख सकते हैं एक्स और एक्स कैंसिल हो गया और हमें मिला एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब मेरा केस क्या था कि एक्स ने माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन भी सही है क्योंकि इक्वेलिटी लिया हूँ मैंने, और वन भी सही है, दोनों आंसर राइट है क्योंकि दोनों ये केस को पास कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने कंडीशन मेंशन किया उस कंडीशन में लाइ कर रहे। सिमिलरली बच्चों केस टू क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन माइनस वन, क्वेश्चन कॉपी, फिर इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब माइनस वन से छोटी वैल्यू कोई दिमाग में पुट कर लो, लेट से एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट कर लो, माइनस टू आप पुट करोगे दिख रहा है नेगेटिव बन रहा है, मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा अगर एक्स वन से माइनस वन से छोटी वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ, तो इधर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मॉडुलस जाएगा एक माइनस साइन छोड़ के और मॉडुलस हट गया। अब हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया, तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हम देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो का होल स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन मिला, लेकिन बाई चांस मैंने इसे इधर मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ तो ये रिजेक्ट हो गया। वैसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इधर तो आंसर में आ गया है,
तो फाइनल आंसर आता है पहले केस का आंसर और दूसरे केस का आंसर का यूनियन लेते हैं। तो पहले केस में हमें ये मिला, दूसरे केस में कुछ नहीं मिला, तो आंसर यही रहेगा। बच्चों प्रोसीजर समझ रहे कैसे कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, इसको लिखो, सुन आ गया, और मॉड एक्स प्लस टू आ गया इक्वल टू मान लो फोर है। तो बच्चों अब ये जो मॉडुलस है ये भी प्लस और माइनस में खुलेगा और ये भी प्लस और माइनस में खुलेगा, लेकिन कब प्लस में कौन कब खुलेगा और माइनस में कब खुलेगा ये देखना है। तो हम देख लेंगे ये मॉडुलस जीरो किस पे होता है, तो हम देख सकते हैं ये मॉडुलस जीरो होता है वन पे और ये मॉडुलस जीरो होता है माइनस टू पे, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आपको तीन केसेस लेना पड़ेंगे। एक है ये दो पॉइंट्स ने नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट है x लेस देन इक्वल टू माइनस टू, दूसरा है माइनस टू टू वन, और तीसरा है x ग्रेटर देन वन। तो बच्चों केस वन क्या रहेगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस टू, और केस टू रहेगा, पहले हम केसेस बनाना सीख लो। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस टू में इक्वालिटी ले रहा हूँ तो यहाँ नहीं लूँगा, और अगर यहाँ वन पे ले रहा हूँ तो यहाँ नहीं लूँगा। ठीक है, केस थ्री रहेगा एक्स ग्रेटर देन वन, केसेस बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन कॉपी किए। अब एक्स लेस देन माइनस टू में से कोई भी दिमाग में एक ऐसा एक्स ले लो जो माइनस टू से छोटा है, लेट्स से माइनस थ्री। यहाँ पुट करेंगे बच्चों तो नेगेटिव दिख रहा है, माइनस थ्री माइनस वन नेगेटिव रहा, माइनस थ्री प्लस टू भी नेगेटिव ही रहा। तो हम देख सकते हैं दोनों मॉडुलस के अंदर अगर मैं माइनस टू से छोटी वैल्यू लेट से माइनस थ्री पुट कर रहा हूँ तो दोनों मॉडुलस के अंदर नेगेटिव ही वैल्यू आ रही है, तो मॉडुलस अपना काम करेगा। अगर उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस साइन छोड़ के जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन छोड़ के गया और यहाँ भी माइनस साइन छोड़ के गया। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर, यहाँ माइनस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टू जाके फाइव हो जाएगा, तो आपको x मिल गया माइनस फाइव बाई टू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बच्चों, क्या इसमें ये बैठ रहा है, क्या माइनस फाइव बाई टू माइनस टू से छोटा है? हाँ, ये पास हो गया। सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस हमने लिख चुके, नेक्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन कॉपी किए। अब इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो लेट से हम माइनस टू से वन के बीच में जीरो आता है, जीरो पुट करते, तो यहाँ ये नेगेटिव बन गया और यहाँ ये जीरो प्लस टू पॉजिटिव हो गया। तो जब मैं बीच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो मैं माइनस साइन छोड़ के भेजूँगा, मॉडुलस अपना काम करेगा। और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हट जाएगा और हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू फोर। तो हमें थ्री इक्वल टू फोर आ रहा है, एक्स कैंसिल हो जा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक्स की कोई भी वैल्यू हो थ्री इक्वल टू फोर नहीं हो सकता, तो इससे x बिलोंग्स टू फाइव मिला, इससे इंटरसेक्शन लूँगा तो भी फाइव मिलेगा। नेक्स्ट केस x ग्रेटर देन वन, अगेन मेथड क्या है, क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन कॉपी कर दिए। अब इनके बीच में कोई वैल्यू पुट करना है जो कि x ग्रेटर देन वन हो, तो मान लो टू पुट कर देते, तो आप देख सकते हो टू माइनस वन भी पॉजिटिव है, टू प्लस टू भी पॉजिटिव है। तो हम देख रहे हैं मॉडुलस के अंदर, दोनों मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है, दोनों के मॉड डायरेक्ट हट जाएंगे, तो यहाँ ऐसा हुआ। तो 2x इक्वल टू अगेन 3 हो गया, तो x इक्वल टू 3 बाय 2 हो गया। हम देख सकते हैं 3 बाय 2 1 से बड़ा है, तो ये केस भी पास हो गया। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस 5 बाय 2 कॉमा 3 बाय 2। बच्चों समझ में आया, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है? यस सर। ठीक है, इसको लिखो सर, एक बार केस टू एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा वाला केस टू? केस टू, केस टू में देखो माइनस टू से वन के बीच में कोई वैल्यू ले लो जीरो, यहाँ जीरो पुट किया जीरो माइनस वन नेगेटिव हो गया, और यहाँ जीरो पुट किया जीरो प्लस टू पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ का क्योंकि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो माइनस साइन छोड़ के गया, और मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हट गया। अब ये मल्टीप्लाई करने माइनस एक्स ही कैंसिल हो गया। देखो अगर कोई इक्वेशन है, मान लो x प्लस वन इक्वल टू एक्स, और x ही कैंसिल हो जा रहा है,
तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे, टू भी रहे तो भी वो कैंसिल होने वाला है, थ्री भी रहे तो भी वो कैंसिल होने वाला है, कोई भी एक्स की वैल्यू पे ये सोल्यूशन आने ही नहीं वाला है। तो मतलब एक्स की वैल्यू ही कैंसिल आ जा रही है और बाई चांस थ्री इक्वल टू फोर जैसा टर्म आ गया, तो हम बोलेंगे कोई ऐसी एक्स की वैल्यू थी नहीं जो थ्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए हम एक्स बिलोंग्स टू फाइव ले ले। लेकिन मान लो केस ऐसा होता एक्स प्लस वन इधर लिखा है और एक्स प्लस वन भी इधर लिखा है और एक्स एक्स कैंसिल हो गया और वन इक्वल टू वन मिल गया, तो आप बोलोगे इसका आंसर है एक्स बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि एक्स अगर टू भी होता तो भी चलता, थ्री भी होता तो भी चलता, माइनस वन भी होता तो भी चलता, जीरो होता तो भी चलता, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू हो गई है। लेकिन वन इक्वल टू वन हुआ, टू इक्वल टू टू हुआ तो ट्रू हुई, यहाँ एक्स बिलोंग्स टू फाइव आएगा। ठीक है, समझा गया? यस सर। बच्चों लिखो इसको, एक नया क्वेश्चन नीचे लिखता हूँ। अभी देखो ये है नंबर लाइन, ये किस पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे, तो टू इधर लिख दो। ये मॉड के अंदर जो एक्स है वो किस पे जीरो हो रहा है, जीरो पे ही हो रहा है, जीरो। तो नंबर लाइन को दो पार्ट नहीं तीन पार्ट में सर इसने ब्रेक कर लिया, एक ये पार्ट हो गया जो कि जीरो से छोटा है और ये पार्ट हो गया जीरो से टू और ये हो गया टू से बड़ा। केस वन, व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन कॉपी, जिनको क्लिक हो गया वो खुद से करें, जिनको नहीं समझ अभी भी डाउट है तो वो देखें। तो x लेस देन जीरो है तो टेक एनी वैल्यू लेस देन जीरो, लेट से माइनस वन ले लेता हूँ, तो माइनस वन माइनस टू नेगेटिव हो गया, माइनस वन पुट करने पे भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, दोनों माइनस साइन छोड़ के जाएंगे, ये भी गया और ये भी गया इक्वल टू सेवन, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सेवन हो गया, माइनस फाइव एक्स इक्वल टू सेवन माइनस फोर थ्री हो गया, तो x हमें मिल गया माइनस थ्री बाय फाइव। तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेस देन जीरो है तो पहला केस पास हो गया, पहले केस में हमें कुछ तो आंसर मिल गया। अब केस टू हमारा था जीरो से टू, जीरो से टू में कोई भी वैल्यू दिमाग में पुट कर लो, वन पुट कर लेते हैं, इजी पुट करेंगे। हाँ, केस लिख के पहला काम क्वेश्चन कॉपी, सेवन तो x इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो ये भी नेगेटिव दिख रहा है और ये पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि मॉड वन तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव है माइनस साइन छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव पे डायरेक्ट हट जाएगा, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू सेवन, तो x इक्वल टू थ्री, तो हम देख सकते हैं x इक्वल टू थ्री इस केस में लाई नहीं कर रहा है, तो दिस केस विल गेट रिजेक्टेड। तो पहले ही बोल दिया था ये सब होने वाला है जब x जीरो से टू के बीच में ही ये सब मॉडल्स ऐसे खुले, नहीं तो कुछ और ओपन होते हैं। अब लास्ट केस है x ग्रेटर देन टू, अब x ग्रेटर देन टू में पुट कर देते x इक्वल टू थ्री पुट कर दो, क्वेश्चन कॉपी, तो दोनों पॉजिटिव दिख रहे, ये भी पॉजिटिव, थ्री माइनस टू और थ्री पुट करने पे पॉजिटिव, तो यहाँ हमें मिला दोनों में मॉड डायरेक्ट हट गया, बोला अंदर पॉजिटिव है मेरी ज़रूरत नहीं, तो ये हो गया टू एक्स माइनस फोर फाइव एक्स इक्वल टू एलेवन, एक्स इक्वल टू एलेवन बाय फाइव। तो बच्चों एलेवन बाय फाइव टू से बड़ा है क्या? हाँ भाई, टेन बाय फाइव से बड़ा है, करेक्ट, टेन बाय फाइव टू होता है, ये भी आंसर राइट है। तो x बिलोंग्स टू, दो ही आंसर है, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस थ्री बाय फाइव एक आंसर है, दूसरा है एलेवन बाय फाइव, ये आंसर है। मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू ये उठा के इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करोगे ना आप, तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो उसका सोल्यूशन है। बच्चा पार्टी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके सर, हो गया तो बताओ। जैसे ये क्वेश्चन बच्चों देखो 2023 में आया, ट्राई करो इसे, देखो नंबर ऑफ रियल रूट्स है, मुझे आप लोग बोल दो कितनी जगह ब्रेक हो रहा है ये नंबर लाइन पे? दो जगह, दो, माइनस टू और जीरो, करेक्ट? यस सर। तो एक्स लेस देन माइनस टू पहला केस, माइनस टू टू जीरो, जीरो से बड़ा। चलो ट्राई करो इसे, चेक करते आंसर आता है क्या।
आप लोग अपना अपना करते रहो, मैं भी अपना अपना करते रहता हूँ। ये माइनस टू पे ब्रेक हो रहा है और ये ज़ीरो पे हो रहा है। तो पहला केस है एक्स लेस देन माइनस टू, एक्स माइनस टू टू ज़ीरो एंड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। केस वन, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। एनी वे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन कॉपी, उसके बाद मॉडुलस हटाने का स्टेप से कि प्लस में खोलेंगे कि माइनस में खोलेंगे। तो हम कोई भी वैल्यू माइनस टू से छोटी ले लेते हैं, लेट से माइनस थ्री ले लिया, तो हम देख सकते हैं माइनस थ्री का मॉड, मतलब मॉड के अंदर माइनस थ्री तो नेगेटिव ही है मॉड के अंदर, और माइनस थ्री प्लस टू इज़ ऑल्सो नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं दोनों मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस साइन छोड़ के जाएंगे। ऑलरेडी एक्स था, ये माइनस एक्स हो गया, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस आने की वजह से प्लस हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन प्लस सिक्स। अब अच्छा क्वाड्रेटिक है तो मेथड चेंज नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते 16 हो गया था, माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस 16 हो गया। फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे बच्चों, तो यहाँ फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज माइनस 16 अपॉन टू वन, तो 25 प्लस 4 16 जा कितना हो रहा है 64 by 2, इधर लिख देते। तो हमें मिला 5 प्लस माइनस 25 9 89 89, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें नियरली वैल्यू देखना पड़ेंगी, 89 बोले तो रूट 89 बोले तो रूट 81 से बड़ा है, तो 9 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 प्लस 9 पॉइंट समथिंग बाय 2 कॉमा 5 माइनस 9 पॉइंट समथिंग बाय 2, तो 5 प्लस 9 मतलब ये 14 पॉइंट समथिंग बाय 2, नियरली 7 पॉइंट समथिंग बाय 2, और 5 माइनस 9 पॉइंट समथिंग 4 माइनस 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और अपॉन 2 कर देंगे तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग। अब बस इतना काफ़ी है हमारे लिए बच्चों, तो इससे बस हमको ये डिसीजन लेना है कौन सा आंसर माइनस 2 से छोटा है। अब हम देख सकते हैं दोनों भी माइनस 2 से छोटे, क्योंकि माइनस 2 इधर है, माइनस 2 पॉइंट समथिंग भी इधर आता है, ये भी छोटा हो गया। तो दोनों इसमें हमको पहले वाले में कितने सोल्यूशन मिले, हमें गिनती करना है। पहले में दो रियल रूट्स मिले हमें, टू रियल रूट्स, और वो लिखना है अगर, तो वो ये दो है, ये दोनों पास हो गए, क्योंकि वो दोनों पास क्यों है, क्योंकि दोनों भी माइनस 2 से छोटे थे, तो पहले में हमें दो रियल रूट्स मिले। चलो अभी केस टू पे आ जाओ, केस टू में रहेंगे। सर 7 पॉइंट समथिंग माइनस 2 से बड़ा कैसे है? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, मैं इसको माइनस 7 पॉइंट दिमाग में कंसीडर कर रहा हूँ, करेक्ट, प्लस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, वन रियल रूट्स। प्रिया को पॉइंट माइंड से मैं उसे माइनस ही सोच रहा हूँ, हाँ वो प्लस है ना, मेरे दिमाग में माइनस है, ठीक है, करेक्ट, माइनस टू फेल हो गया, तो इधर हमको वन रियल रूट ही मिला, सही जवाब। अब नेक्स्ट वाले में केस है माइनस टू टू ज़ीरो, क्वेश्चन कॉपी, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस वन ले लेते हैं, एनी नंबर बिटवीन माइनस टू टू ज़ीरो, तो ये माइनस में खुला तो माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस एक्स बन गया ना, और ये प्लस में खुलेगा, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, तो माइनस में खुला तो ये ऐसा हो गया, और ये माइनस वन प्लस टू पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव में खुला, माइनस तो पहले से ही है, प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टेन प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टेन प्लस सिक्स माइनस फोर हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस फोर हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिख रहा है, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो,
देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो हमें दो आंसर मिले, माइनस वन एंड माइनस टू, माइनस फोर, ये तो रिजेक्ट हो गया बच्चों। तो आंसर x इक्वल टू माइनस वन मिला, मतलब सेकंड केस में भी हमें वन रियल रूट मिला। ठीक है बच्चों, केस थ्री का बताओ आप लोग। दोनों में रियल रूट्स मिल रहे। ओके, मतलब टोटल कितने मिल रहे हैं आप, मतलब उस हिसाब से चार हो जाएंगे फिर, पहले two. में दो, पहले में एक, चार। ओके ठीक है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। केस थ्री, x ग्रेटर देन जीरो, तो लेट से x इक्वल टू फोर टू कुछ भी पुट कर दो, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है और ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, टू प्लस टू, तो दोनों पॉजिटिव में खुल गए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो बच्चों फ्री के मार्क्स है ना, मतलब इतना मुश्किल नहीं है कुछ, ऐसा ऐसे प्रोसीजर फॉलो करना है। और जिस तरह से क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना हमारे लिए बून है, फायदा वो है, गिफ्ट है। माइनस टेन प्लस सिक्स कितना, माइनस फोर हो गया, स्प्लिटिंग हो रही है इसकी, स्प्लिटिंग माइनस फोर प्लस वन हो रही है, तो एक्स माइनस फोर, एक्स नहीं हो रही है, फोर माइनस वन हो रही है ना, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे हो रही है बताओ, 25 माइनस फोर इंटू माइनस फोर माइनस फोर, तो 5 प्लस माइनस 25 प्लस 16 41, तो अंदाजे से दोनों की वैल्यू ले लेंगे। पक्का दोनों पास हो रहे भतीजा? नहीं सर, अपने जज्बात में बह गए, स्प्लिटिंग में मिस्टेक। सर आप x इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं लिए? कहाँ पर x ग्रेटर देन 0 के केस में? 1 भी लेते तो सेम ही होता ना, 1 लेते तो ये पॉजिटिव खुलता और ये लिए तो पॉजिटिव खुलता। हमें मॉड हटाना है ना, 1 लो या 2 लो, मॉड दोनों पॉजिटिव में हटे, ये मेन बात है। क्या पुट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, अब 2 लो या 3 लो या 100 लो, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर माइनस टू से जीरो के बीच में चेक करना है तो माइनस वन लो, माइनस 1.5 लो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी वैल्यू लो उससे मालूम पड़ जाएगा हमें। ठीक है, अब इसके इसमें लास्ट केस में हो रहा है, ये अजीब सा रहा है, तो रूट 41 तो रूट 36, 6 से बड़ा है, 6 पॉइंट समथिंग है, तो हम देख सकते हैं 5 माइनस 6 पॉइंट समथिंग तो नेगेटिव हो गया, तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि हमारा केस था ग्रेटर देन जीरो ना, तो ये फेल हो गया और दूसरा वाला पास हो गया 6 पॉइंट समथिंग। यस, तो इसमें वन रियल रूट मिला, मतलब दो तीनों केस में एक एक रूट मिले, राइट? यस बच्चों, बाकी लोग क्लियर है सबको ये? यस सर। ये लिखना हो गया? जी सर। थोड़ी लिखने की स्पीड बढ़ाना, आपने बहुत पढ़ना है। Yes, sir. आंसर तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, इतनी मेहनत की तो आंसर तो चेक करना ही पड़ेगा क्या। ठीक है, थ्री आंसर राइट है अपना, पार्टी पार्टी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस टू एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस टू एक्स प्लस सेवन, राइट लिखा ना? यस सर। देखो एक ही मॉडुलस है तो केस एक ही बनेगा, दो केस बनेंगे। देखो केस पहला क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और केस टू रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन लेस देन जीरो। तो बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्प्लिट हो गया, तो यहां हमें मिला विवेक ऑफ थ्री फाइव
प्लस माइनस प्लस, तो आंसर है x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 5। तो बच्चों बेसिकली केस वन ये नहीं, ये लिखना हुआ मैंने, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ। और सिमिलरली ये टर्म का वेवी कब भी यही बनने वाला है, लेकिन ये लेस देन जीरो है तो इसके केस क्या बन जाएगा, 3 to 5। ये पार्ट, ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। जैसे हमने केस लिखे तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, वही अपना परंपरा प्रतिष्ठा। अब मॉडुलस के अंदर जो है वो पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, क्योंकि हमारा केस ही वही था। तो हमें गंदी सी क्वाड्रेटिक वापस मिलेंगे, अच्छी मिल रही है, गंदी मिल रही है, 22। स्प्लिटिंग अभी भी नहीं हो रहा है, राइट, नहीं हो रहा है। तो x इक्वल टू 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 4। ओ माय गॉड बच्चों, नहीं नहीं यार, सॉल्व हो रहा है, नेगेटिव नहीं हुआ, डी नेगेटिव होता तो बहुत अच्छा हो जाता। खैर, 100 माइनस 88 कितना हो रहा है, 600 माइनस 812 हो गया। तो हम देख 12 को लिख देंगे 2√3 और 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो 5 प्लस माइनस रूट 3 मिला। अब ये केस में हमारा जो आंसर है इस 3 से छोटा होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 5 से बड़ा है, या तो 3 से छोटा हो या तो 5 से बड़ा हो। हाँ यार, 5 से बड़ा, ये पास हो गया। सेकंड जो हमें दूसरा मिला 5 माइनस रूट 3, क्या बच्चों 3 से छोटा है क्या, 5 से तो नहीं बड़ा है। अगर हम थोड़ा नियरली देखें तो 1.7, हाँ 5 से छोटा हो, नहीं 3 से छोटा नहीं हो पा रहा है ना, 3.3 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना 3 से छोटा, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 3 पॉइंट समथिंग ना, इट इज़ नॉट लेस देन 3, इट इज़ ग्रेटर देन 3। बच्चों बोल दो हाँ नहीं तो बोलो। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, चलो केस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 मॉड माइनस 2x प्लस 7। अभी हमने केस लिया ही ऐसा था कि लेस देन है, उससे वेवी कब सॉल्व करके ये मिला था, तो डायरेक्ट माइनस साइन छोड़ के जाएंगे कि लेस देन है। ये भी मुझे लगता है गंदा सा बनेगा, देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 8x प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 प्लस 7 माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई किया, स्प्लिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। तो हम देख सकते हैं x इक्वल टू 2 मिला और 4 मिला, तो हमारा आंसर चाहिए 3 से 5 के बीच में, तो 2 पास हो जाएगा, अरे दोनों नहीं 4 पास होगा, 4 पास होगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन को आपने रीड कराऊंगा, तो क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ रूट्स या सॉल्यूशन वॉट एवर। तो पहला सॉल्यूशन मुझे मिला 5 प्लस रूट 3 और दूसरा मिला 4, तो आंसर आया 9 प्लस रूट 3। समझे बच्चो? यस सर। सर एक डाउट है, आपको x लेस देन इक्वल टू 3 और दूसरा वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कैसा मिला? वीवी कब आता है आपको? सॉरी, वीवी कब मेथड आता है? थोड़ा कच्चा पक्का। हाँ कच्चा पक्का नहीं, मैंने वीडियो भेजा था कल, उसको देख लो, वो हर क्वेश्चन में यूज होगा, वो देख लेंगे तो सब ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, और वो अपना बहुत बेसिक बात है, उसको आप देख लेना। ओके, ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वेवी का मेथड पढ़ाने में 1.5 घंटा चल जाता है, मतलब मैं 2 दिन पढ़ाता हूँ उसको, तो मेरे वीडियो में देख लो एक अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड करके, लेकिन काम हो जाएगा। चलो इसको लिख लो बच्चों, ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बस मुझे बोल दो, आप लोग कर लेना बाद में, क्या करना चाहिए बताओ, या आप लोग करना चाहेंगे, पहला स्टेप क्या होना चाहिए आप लोग लॉजिकली सोच के बोलो। चलो एक कर ही लेते, कॉपी कर लो और सोचो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। केसेस लेना है, लेकिन केसेस को लेने के पहले भी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते, क्या सिंप्लीफिकेशन रहेगा बोलो।
वन को थ्री पावर जीरो ले लेंगे, थ्री पावर एक्स को टी ले लेंगे, करेक्ट, थ्री पावर एक्स को टी ले लेंगे, ठीक है। वन को थ्री पावर जीरो लेने में कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा अपना, लेकिन अगर आप थ्री एस पावर एक्स को टी ले लोगे ना तो क्वेश्चन ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, मॉड टी माइनस वन प्लस मॉड टी माइनस टू, तो दो केस बन जाएंगे लेस देन वन, तीन केस बन जाएंगे लेस देन वन, वन टू टू। चलो ये करो इसको सब लोग ट्राई करो। आप लोग अपना करते हो, मैं अपना करता हूँ। पहला स्टेप तो हमने डिस्कस कर ही लिया, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन लेट टी इक्वल टू थ्री एस टू पावर एक्स, तो ये टी टी माइनस वन प्लस टू इक्वल्स टू टी माइनस वन प्लस टी माइनस टू, तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते, टी माइनस वन मॉड टी माइनस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू। ओके, हम देख सकते हैं नंबर लाइन पे ये वन पे ब्रेक हो रहा है और ये टू पे ब्रेक हो रहा है, अपना अपना करो बेटर है, और ये वन से टू जाएगा और ये टू से बड़ा। अगर मैं इधर इनइक्वालिटी इक्वालिटी डालता हूँ तो इधर नहीं लिखूँगा, इधर ले रहा हूँ तो इधर लूँगा बस। केस वन, टी लेस देन इक्वल टू वन, क्वेश्चन कॉपी, लेस देन वन है, आप सो जाओ, आपको सोने का टाइम हो गया, हाँ बच्चों, टी लेस देन वन टी इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस वन हो गया, माइनस साइन इस पर पुट कर देंगे, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, मॉड माइनस साइन छोड़ के जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, डी नेगेटिव नहीं है इसका, दो रूट्स आएंगे, टी इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट फाइव होने वाला, चेक कर लेना, अपॉन टू। अभी देखो इसमें कैच है बच्चों, टी क्या है, थ्री रेस्ट पावर एक्स है, तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू। अच्छा यहाँ एक बात इसमें ध्यान देना था कि t आपने थ्री रेस्ट पावर x मान लिया है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है, तो t हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही रहेगा, ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता है, तो ये इधर ही रिजेक्ट हो जा रहा है, वन माइनस रूट फाइव बाई टू जो है ना नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये इसमें ध्यान देना था। और यहाँ वन प्लस रूट फाइव बाई टू वन से छोटा नहीं है, वन से बड़ा है, क्योंकि रूट फाइव इज टू पॉइंट समथिंग, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो पहले केस में दोनों रिजेक्ट हो गए बच्चों, क्लियर है बच्चों? यस सर। एक इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव था, और दूसरा इसलिए रिजेक्ट हो गया कि केस में टी लेस देन इक्वल टू वन था, वन से बढ़ा गया। चलो केस टू में कितने आ रहे हैं आप लोग बताओ मुझे, सर वो टी की वैल्यू माइनस वन प्लस और माइनस रूट फाइव बाई टू होना, माइनस वन ना, हाँ करेक्ट, सही है, तो ये तो रिजेक्ट अभी भी हो रहा है, अभी ये शायद पास हो जा रहा है क्या, फिर देखते हैं, तो माइनस वन प्लस टू पॉइंट समथिंग अपॉन टू, तो वन पॉइंट समथिंग अपॉन टू, हाँ ये उल्टा पास हो गया क्योंकि 0.5 समथिंग हो जाएगा, 0.5 0.6, तो 1 से छोटा है, ठीक है चलो सही है। तो मतलब पहले केस में एक रूट मिला, इसमें भी काउंटिंग ही करना है अपने को, वो लेस देन 1 निकला है, ठीक है करेक्ट है। देखो सेकंड केस में क्या होता है बच्चों,
केस टू का क्या अपडेट है बच्चों? नहीं आ रहे सर, उसमें भी नहीं आ रहे क्या? हाँ सर, ठीक है। केस वन में इसका एक पास हुआ, अपना ही पास हुआ था रूट फाइव माइनस वन। केस टू में राइट बोल रहे हो आप? केस टू में बाई चांस डी नेगेटिव आ जा रहे हो क्वाड्रेटिक का तो नहीं आएंगे। हाँ, और मुझे लगता है केस थ्री में भी डी नेगेटिव आ रहा है, तो क्वेश्चन दो केस में डी नेगेटिव आ जा रहा है तो रूट्स आने का सवाल ही नहीं है। तो एक हमें मिला था तो आंसर वन रियल सिंगलटन सेट, मतलब ए सॉल्यूशन सेट में सिर्फ सिंगलटन सेट ही रहेगा। एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स, तो एक ही उसमें एलिमेंट है। बच्चों देख लो, यस सर, ठीक है आगे बढ़े। बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन है, टू रेस टू पावर एक्स को टी ले लो, इसमें दो ही केस बनेंगे, टी ग्रेटर देन वन, टी लेस देन वन। सिंपल क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी रूट एक्स को टी ले लेना, टी माइनस टू बन जाएगा। लास्ट में सम ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो भी एक्स के वैल्यूज आएंगे उनका एडिशन करना है। मतलब बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ये तो और मिलेंगे। अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल्स में भी जाऊँ, क्वाड्रेटिक के न्यूमेरिकल्स में, देखो पहला सवाल यही है बच्चों, लेंथी है थोड़ा ये, लेकिन तीन केस बन रहे देख लो, क्योंकि मॉड एक्स प्लस वन माइनस वन पर ब्रेक हो रहा है, मॉड एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री पे हो रहा है, मॉड एक्स प्लस टू माइनस टू पे ब्रेक हो रहा है, चार केस बनेंगे बच्चों। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है ना, बाकी चैप्टर्स के तो ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कि देख के मतलब क्लिक ही ना हो कुछ, ठीक है ये भी हो सकता है। सिमिलरली देखो ये भी हो सकता है, दो ही केस बन रहे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर भी तीन केस बन रहे, ये भी हो सकता है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन को देखो ना तो आप इसका ओरली आंसर दे सकते हो, थोड़ा सोचो आप इसका आंसर क्या होगा। थ्री सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? थ्री, क्यों थ्री? फोर, नहीं नहीं कुछ भी तुक्के मत मारो, लॉजिक से आंसर दो। वन, क्यों वन सर? जीरो, एक्स को जीरो लिए तो हाँ, बाकी और सॉल्यूशन नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं लेकिन तो वन लेंगे और माइनस वन जाएगा, मतलब अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो लिखना मत सोल्यूशन है सर, तुक्के मत मानो, लॉजिक से बोलो क्या लॉजिक है। रिपीट करो, क्या एक्स स्क्वायर था, फिर क्या था? प्लस थ्री मॉड एक्स, प्लस फाइव प्लस सिक्स इंटू मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। देखो दो केस बनेंगे, या तो ये जीरो हो जाए, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये एक सोल्यूशन मिल गया कि एक्स इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय जीरो। और दूसरा केस ये है कि ये जीरो हो जाए। बिना केसेस के तुक्के मत मारना, जो अभी कर रहे थे ना माइनस वन, इतनी मेहनत करके भी
तो इधर लॉजिक ये है बच्चों कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पूरे पॉजिटिव का सम जीरो तभी होगा जब सब एक साथ जीरो हो जाए, क्योंकि दो नंबर है, एक टू है, दूसरे को -2 होना पड़ेगा तभी जीरो हो सकता है, तो किसी को नेगेटिव होना पड़ता है। तो यहां पर सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव होने को तैयार नहीं है, तो एक ही चांस था कि सब एक साथ जीरो हो जाए। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो जा रहा है और ये जीरो हो रहा है, लेकिन ये लोग जीरो नहीं हो रहे, सब एक साथ जीरो होने को तैयार नहीं है, ये एक्स इक्वल टू वन पे हो रहा है। तो इससे हम लॉजिक से कह सकते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव का सम जीरो नहीं हो सकता है सिवाय कि सब जीरो हो जाए, तो इससे हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू फाई, यहां से कुछ मिला नहीं हमें, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आंसर नंबर ऑफ रियल रूट्स बोल रहे। समझे गए बच्चे? जैसे कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं, मॉड एक्स प्लस एक्स टू पावर 4 + 3 इक्वल टू जीरो, तो आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कभी भी +3 है तो इधर -3, ये हो ही नहीं सकते कभी, तो नो सोल्यूशन। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे ना, ऐसा नहीं था सिनेरियो, मॉड एक्स प्लस 1 ऐसे जो हम क्वेश्चन किए ना, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, सामने 4 लिखा हुआ था, तो ये 4 तो हो सकता है। अगर यह होता +4 = 0 तो यह -4 नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात बच्चों? जी सर। और कोई इसमें चाह रहे नहीं है, एक ही सलूशन होगा, इसने बाकी केसेस सॉल्व किया। जो एक्स कॉमन है उसको जीरो ले लिए तो पूरा आंसर जीरो हो सकता ना होगा, तो एक सलूशन है ना, करेक्ट, एक नंबर ऑफ रियल सलूशन पूछा ना, तो करेक्ट आंसर 1 है, लेकिन इसका एक भी नहीं है, वो मैं पूछ रहा था ये इसका एक भी क्यों नहीं है। अभी देखो इसने ना इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन किया है, केसेस लिया है इसने जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, आंसर फाइनल में वही आने वाला है, एक ही आने वाला है। अगर हमारा लॉजिक स्ट्रांग है तो हम इतना टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर देखो मॉडुलस का क्वेश्चन यहाँ भी है, तो यहाँ बस सिर्फ दो केस लेना है, x²-1 > 0, x²-1 < 0, बस, और सॉल्व करना एक बार पॉजिटिव खोल के, और कोई केस हो ही नहीं सकता है, लंबा चौड़ा सॉल्व करना है। और एडवांस में सिंगल चॉइस में भी क्वेश्चन आए हुए इसके बहुत कोटेश। ठीक है, अभी आइडिया तो आ गया आप लोग को ना, क्वेश्चन कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आया कि इस टाइप के क्वेश्चंस का? यस सर। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, गड़बड़ करोगे ना गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, एकदम आराम से। ठीक है चलो, अभी एक दो प्रॉपर, एक 10 मिनट तो एक प्रॉपर्टी तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि x² = या तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, पहली प्रॉपर्टी। मतलब मॉड ले लो पॉजिटिव हो जाएगा फिर स्क्वायर करो, या डायरेक्ट भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर करो, सेम वैल्यू देता है। इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि x² - 5 mod x + 6 = 0 को सॉल्व करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मेंस में दिखे भी थे हम जब स्क्रॉल कर रहे थे। तो पहला स्टेप क्या होगा कि इस x² को आप लिख दोगे मॉड एक्स का स्क्वायर -5 mod x + 6 = 0, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उल्टी x² की जगह मॉड एक्स, ताकि सब एक ही टर्म बन गए। तो फिर अभी बड़े हो गए हम लोग, लेकिन बचपन में मैं ऐसे बच्चों को बताता था कि लेट टी इक्वल टू मॉड एक्स ले देना, तो ये हो जाएगा t² - 5t + 6 = 0। तो यहाँ स्प्लिटिंग हो गया, t - 3 = 0, तो आपको t = 2 मिला और t = 3 मिला। तो यहाँ पर आपको mod x = 2 मिला और mod x = 3 मिला। अच्छा, इसी के बाजू बच्चों मैं सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, वो है mod x = a। अगर mod x = a है प्रोवाइडेड दैट a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू इसका सोल्यूशन रहेगा x = ±a, क्योंकि प्लस a भी पुट करूँगा तो mod a होने वाला है
और माइनस ए भी पुट करूंगा तो मोड ए ए ही होने वाला है, मोड ऑफ माइनस ए। बच्चों इस चीज का सोल्यूशन, ए की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसका सोल्यूशन और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का सोल्यूशन सेम है बच्चों, ये दोनों के सेम आंसर आते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का सोल्यूशन भी हमें पता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अब बाई चांस मॉड एक्स इक्वल टू ए वाली प्रॉपर्टी में चले गया ये, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू और यह हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो इस इक्वेशन के चार सोल्यूशन है, एक्स बिलोंग्स टू प्लस टू माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री। समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, ये एक बार ट्राई करो आप लोग। तो बच्चे ये तो इजी था, आप लोग का आया होगा बहुत लोग का। एक्स स्क्वायर की जगह मॉड एक्स स्क्वायर लिख देंगे बस, तो स्प्लिटिंग करेंगे तो टी लेना तो बचपन की बातें हो गई, डायरेक्ट स्प्लिट करते हैं तो मॉड एक्स कॉमन निकला और यहाँ से भी मॉड एक्स वन कॉमन निकला, तो दोनों में से मॉड एक्स माइनस फोर कॉमन निकल गया। तो यहाँ से हमें मॉड एक्स इक्वल टू फोर मिल गया या तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन मिल गया। तो मॉड एक्स इक्वल टू फोर यही प्रॉपर्टी आ गई, मॉड एक्स इक्वल टू ए तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर हो गया और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन हो नहीं सकता तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव हो गया, क्योंकि प्लस माइनस वन लिखना गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। फोर्थ वाले का फाइव कॉमा माइनस थ्री है, फाइव कॉमा माइनस थ्री, हाँ फाइव राइट। बच्चों ऊपर तक का हो गया, सेकंड क्वेश्चन तक। यस सर। तो ये मॉड एक्स इक्वल टू ए की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहा है, इसको कैपिटल एक्स मान लूँ अगर मैं और सामने ए थ्री है तो हमें पता है कैपिटल एक्स क्या हो जाता है, प्लस माइनस ए। तो हमने किसको कैपिटल एक्स माना है, एक्स माइनस वन को, और सामने प्लस माइनस ए की जगह आ जाएगा थ्री, तो हमें मिल गया एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री और एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, दो केस बन गए। तो हमें एक मिला एक्स इक्वल टू फोर और x इक्वल टू माइनस टू। अरे बॉयज ये हो नहीं पा रहे क्या, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। सिमिलरली बच्चों ये मॉड x माइनस वन है, हम इसे लिख सकते हैं मॉड x माइनस वन का होल स्क्वायर, जैसे मॉड x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है तो वैसे ही मॉड x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, थ्री मॉड एक्स माइनस वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो। लेट टी इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, टी लेने थोड़ी आसानी हो जाती है इसलिए ले लिया, और तो टी माइनस फोर और टी प्लस वन दिख रहा है स्प्लिटिंग, टी इक्वल टू फोर टी इक्वल टू माइनस वन, तो टी इज मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर, मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, दिस नॉट पॉसिबल, मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ से वापस दो केस हो जाएंगे,
क्योंकि कैपिटल एक्स जैसा ट्रीट करेंगे मॉड एक्स इक्वल टू ए, तो सामने एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस फोर हो जाएगा और एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी लगी वापस कि एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस फोर, जैसे मॉड हटता है सामने प्लस माइनस चले जाता है। तो यहाँ से आपको एक्स इक्वल टू फाइव मिल गया और यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस थ्री मिल गया, तो इसका आंसर थे माइनस थ्री कॉमा फाइव। फिफ्थ वाले का जीरो टू सिक्स माइनस फोर। ओके इसका आंसर है बच्चों, ओके ठीक है, कैपिटल एक्स जैसे ट्रीट करेंगे और सामने टू रहेगा तो कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू। ठीक है, कैपिटल एक्स हमारा क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस टू, दो केस अराइज हो गए। यहाँ हो गया मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव और यह हो गया मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस वन सॉरी। तो अगेन ये कैपिटल एक्स जैसा बिहेव करेगा, जैसे ही मॉड हटेगा सामने प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे होगा। तो फिर एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव और एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस फाइव और एक्स माइनस वन इक्वल टू वन और एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू सिक्स और x इक्वल टू माइनस फोर और x इक्वल टू ज़ीरो सॉरी टू और x इक्वल टू ज़ीरो, ये आंसर है करेक्ट है। ठीक है, बची प्रॉपर्टी कर लेते हैं, इंशाल्लाह पूरी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, मॉड्यूल्स ख़त्म हो सकता है कल वैसे। ठीक है, चलो बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।